वेलकम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइनल इन केस ऑफ मेथड, दैट मीन्स फाइनल कीवर्ड का यूज़ मेथड के केस में। अगर हम किसी मेथड के आगे फाइनल कीवर्ड लगा देते हैं तो क्या होता है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी दोस्तों कि इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको फाइनल कीवर्ड के बारे में बताया था कि फाइनल कीवर्ड क्या होता है और किन किन केसों में हम फाइनल कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं, वेरिएबल के केस में, मेथड के केस में और क्लास के केस में। एंड वेरिएबल के केस में अगर हम फाइनल कीवर्ड का यूज़ करते हैं तो क्या होता है, ठीक है दोस्तों? अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, उस लिंक को फॉलो करके आप वो वीडियो देख सकते हो, ठीक है? तो चलिए टॉपिक की बात करते हैं, फाइनल इन केस ऑफ मैथड। इफ वी क्रिएट मैथड एज अ फाइनल यूजिंग कीवर्ड देन वी कांट ओवर राइट दैम, दैट मीन्स अगर हम किसी मैथड के आगे फाइनल कीवर्ड लगा देते हैं तो क्या होता है, हम उस मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है? जैसे कि मैंने इससे पहले की वीडियोस बनाई थी एक मेथड ओवरराइडिंग की, ठीक है, जो कि रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल है। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करने के लिए हम ओवरराइडिंग का यूज़ करते हैं। तो उसमें क्या होता है, सेम नेम मैथड बनते हैं एंड सेम आर्ग्यूमेंट, ठीक है, एंड उसमें ओवरराइड हो जाता है तो वो चाइल्ड क्लास यानी कि जो कि चाइल्ड क्लास है, जो कि करंट क्लास है, उसकी वैल्यू को प्रिंट करा देता है। बट यहाँ पे हम जो है ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। अगर हम किसी मेथड के आगे फाइनल लगा देते हैं तो वो फाइनल हो जाता है, उसको ओवरराइड नहीं किया जा सकता। तो प्रोग्राम की हेल्प से दोस्तों मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी, साथ ही हम इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी करके देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैंने एक क्लास बनाई जिसका नाम हमने दिया ए, ठीक है। देन क्लास का ब्रैकेट ओपन किया। क्लास का ब्रैकेट ओपन करने के बाद मैंने मेथड बनाया शो नाम का, ठीक है। इसके अंदर कोई आर्ग्यूमेंट मैंने पास नहीं किया है और इस मेथड के आगे मैंने कीवर्ड लगा दिया फाइनल, दैट मीन्स ये जो है फाइनल हो जाएगा, ठीक है, इसे ओवरराइड नहीं किया जा सकता। देन हमने मेथड का ब्रैकेट ओपन किया और इसके अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में हमने हेलो प्रिंट करा दिया। देन हमने मेथड का ब्रैकेट क्लोज किया और यहाँ पे क्लास का ब्रैकेट क्लोज किया। उसके बाद दोस्तों हमने एक दूसरी क्लास बनाई, ठीक है, एंड हमने एक्सटेंड किया क्लास ए को, इस पेरेंट क्लास को हमने एक्सटेंड किया चाइल्ड क्लास में। देन हमने क्लास का ब्रैकेट ओपन किया एंड एक सेम नेम का मेथड बनाया, क्योंकि हम यहाँ पे ओवरराइड करने की कोशिश करेंगे तो देखते हैं फाइनल कीवर्ड लगा के ओवरराइड हो पाता है या नहीं। तो हमने सेम नेम मेथड बनाया, सेम आर्ग्यूमेंट, एंड इस मेथड के अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में हमने प्रिंट करा दिया हाय। देन हमने मेथड का ब्रैकेट क्लोज किया और अपना मेन मेथड बनाया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। देन हमने मेन मेथड का ब्रैकेट ओपन किया एंड चाइल्ड क्लास, दैट मीन्स कि बी क्लास का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, क्योंकि ऑब्जेक्ट के थ्रू ही हम मेथड को कॉल करेंगे, ठीक है। न्यू कीवर्ड के थ्रू हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने शो मेथड को कॉल किया। तो दोस्तों अब होगा क्या, जैसे ही हम ऑब्जेक्ट के थ्रू शो मेथड को कॉल करेंगे तो देखिए ऑब्जेक्ट किसका है, बी का, तो ये बी के पास जाएगा, ठीक है। देन ये देखेगा शो मेथड कहाँ पे है, ठीक है, और देखिए बी क्लास ने ए को एक्सटेंड किया, दैट मीन्स बी के पास ए की प्रॉपर्टी भी है और बी की तो है ही, ठीक है, तो ए की प्रॉपर्टी भी है। तो देखिए शो मेथड ए में भी है और बी में भी है, तो वो सबसे पहले शो मेथड देखेगा, इसमें हेलो है। देन हम बी क्लास में यानी कि चाइल्ड क्लास में उसे ओवरराइड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, हमने पेरेंट क्लास के मेथड के आगे फाइनल लगा दिया तो वो यहाँ पे ओवरराइड नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये जो हाई वैल्यू प्रिंट नहीं होगी, ये जो है पहले मेथड को, पेरेंट क्लास के मेथड को ओवरराइड नहीं कर पाएगा एंड यहाँ पे जो है एरर आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों अब हम प्रैक्टिकली हम इस प्रोग्राम को करके देखेंगे और ओवरराइड करने की कोशिश करेंगे कि ये ओवरराइड होता है या नहीं। तो दोस्तों हम सबसे पहले अपना प्रोग्राम जो है कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। कंट्रोल सी की हेल्प से मैंने अपना प्रोग्राम कॉपी कर लिया है, आप भी कर लीजिएगा। देन हम नोटपैड ओपन करेंगे। मैंने नोटपैड ओपन किया एंड हमने यहाँ पे अपना प्रोग्राम पेस्ट कर लिया। दोस्तों ये जो डबल कॉट्स है आप इसे चेंज कर लीजिएगा, ठीक है, ये मैंने चेंज कर लिए हैं क्योंकि अगर ये ऐसे ही रहेंगे तो ये इसमें एरर दिखाएगा। एंड कंट्रोल्स, अब हम क्या करेंगे, अब अपने प्रोग्राम को सेव करेंगे। तो देखिए मेन मेथड जो है हमारा चाइल्ड क्लास में है और चाइल्ड क्लास का नेम है बी, तो बी से जो है हम अपनी फाइल सेव कर लेंगे। तो फाइल में गए, सेव एस में हमने यहाँ पे बी लिखा और डॉट जावा, ठीक है, सेव बटन पे क्लिक किया, ये हमारी फाइल सेव हो गई। अब हम देख लेते हैं फाइल सेव हुई है या नहीं, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए हमारी फाइल जो है सेव हो गई है बी डॉट जावा। एंड अब हम अपनी फाइल को कंपाइल करेंगे, तो cmd ओपन कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों हमारा cmd ओपन हो गया है। ठीक है, डेस्कटॉप पे हमने फाइल सेव करी थी, तो हम डेस्कटॉप पे जाएंगे, cd डेस्कटॉप। ये देखिए हम डेस्कटॉप पे आ गए। देन हम जावा सी लिखेंगे, क्लास का नेम भी, और डॉट जावा, और एंटर दबा देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा एक एरर आ रहा है। एक एरर आ रहा है, क्या एरर आ रहा है देख लेते हैं। इन बी कांट ओवर राइट शो इन ए, दैट मीन्स जो है बी जो हमने क्लास बनाई है वो ओवर राइट नहीं कर सकती, ठीक है, जो कि इन ए, ए में जो शो मेथड बना है उसको ओवर राइट नहीं कर सकती है, क्योंकि हमने फाइनल कीवर्ड लगाया। और क्यों नहीं कर सकती? ओवरराइड मेथड इज़ फाइनल, जिसे हमने ओवरराइड करना है वो फाइनल है, हमने उसके आगे फाइनल कीवर्ड लगाया है, इसलिए जो है वो उसे ओवरराइड नहीं कर सकती। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने इस मेथड के आगे जो है फाइनल लगाया है, तो ये इसे ओवरराइड करके जो है हेलो को ओवरराइड करके हाई प्रिंट नहीं करा सकता। अगर हम यहाँ से फाइनल कीवर्ड हटा देते हैं, ये देखिए मैंने फाइनल कीवर्ड हटा दिया है, और अब हम अपने प्रोग्राम को सेव करेंगे। ठीक है, सॉरी दोस्तों, तो हम यहाँ पे सेव एज में चले गए थे, हम अपने प्रोग्राम को सेव कर लिया है। ठीक है, एंड अब हम इसे कंपाइल करके देखते हैं। ये देखिए दोस्तों हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो गया है। जैसे हमने वहाँ से फाइनल कीवर्ड हटा दिया, तो अब वो उसको ओवरराइड कर लेगा। ठीक है, अब हम इसे रन कर लेते हैं। डॉट जावा हमने हटाया यहाँ से सी, और रन किया, तो ये देखिए इसने ओवरराइड कर लिया है, हेलो को ओवरराइड करके हाई यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो दोस्तों ओवरराइड हो जाता है, और अगर हमने फाइनल किसी मेथड के आगे जो है फाइनल कीवर्ड लगा देते हैं तो हम उसे ओवरराइड नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा ओवरराइडिंग का हाँ, ये हमारा फाइनल कीवर्ड था मेथड के केस में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में यानी कि पार्ट 3 में हम बात करेंगे इन केस ऑफ क्लास, यानी कि क्लास के केस में फाइनल कीवर्ड का क्या यूज़ है। तो आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर फॉलो कीजिएगा। एंड दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलेगा। ठीक है, साथ ही हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और आप इजीली उस वीडियो को देख सको। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस।